अररिया जिले में अपराध की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही है। अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला फारबिसगंज इलाके का है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े पिस्टल के बट से सिर पर पीछे से वार कर एक व्यवसायी को घायल कर दिया और 4 लाख रुपए लूट लिए। अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मी के सहयोग से फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। फिलहाल व्यवसायी की हालत ठीक है। पीड़ित घायल व्यवसायी का नाम नारायण महेश्वरी है, जो कृषि बाजार समिति बजरंगबली चौक निवासी है। घायल नारायण महेश्वरी ने बताया कि वे अपने गोदाम से अपने कर्मी संदीप शर्मा के साथ मोटरसाइकिल से एक बैग में 4 लाख रुपया लेकर फारबिसगंज थाना के समीप सेंट्रल बैंक के मुख्य शाखा में रुपया जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सुभाष चौक की ओर से आ रहे 2 मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने मोटरसाइकिल सामने से अचानक रोक दी, जिसके बाद अपराधियों ने उनका बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया और बैग लेकर फरार हो गए। मोड़ लिया, राइट टर्न लेते ही वहीं पे उन्होंने बाइक के आगे बाइक लगाया, हम बाइक से गिरे, उन्होंने बैग छीनने का किया तो मैं तो जैसे मेरे आगे जो बैठा हुआ था मैं उससे पकड़ा तो बैग हाथ में फंस गया। हाथ में जैसे ही फंसा उन्होंने छीनने के लिए मेरे सर पे मारा, कट्टे से मारा। उसके बाद फिर मेरा स्टाफ ने मेरे को खींच करके साइड में ले गया और वो लोग बथना के साइड। कितने लोग थे? वो लोग 2 बाइक पे थे, ट्रिपल लोडिंग पे थे। फिर पहचान का लगा क्या? मास्क लगाए हुए थे तीनों। वाइट की कलर? वाइट कलर का एक अपाची मैंने देखा। वाइट कितना रुपया था? करीब 4 लाख रुपया था। बैग छीन लिया क्या? बोलो बैग छीन करके बोलो बैग और कुछ था? और कुछ नहीं। बाइक भी ले लिया? नहीं, बाइक नहीं ले लिया। तो सामने से आया था कि पीछे से आया? सामने से आया, जैसे ही हमने राइट टर्न लिया वहीं पे आके उन्होंने गोदाम से। हाँ, किस जगह घटना है, कौन सा जगह घटना, क्या? फ्लिपकार्ट का ऑफिस है शमशान घाट के पास। बता दें कि इन दिनों अररिया जिले में लूट की घटना काफी बढ़ गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उसी का यह अंजाम है कि दिन दहाड़े सरे बाजार 4 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। देशवा न्यूज के लिए अररिया से मुर्शीद रजा की रिपोर्ट।